हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम स्कॉलर। आज हम इस लेक्चर वीडियो में देखेंगे कि पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आपको कब लगाना है एंड इसके बाद आपको फर्दर कौन कौन से टेस्ट जो है लगाने होते हैं। देखिए, हमने जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ डेटा हमें चेक करना होता है कि डेटा आपका पैरामेट्रिक है या नहीं है। अगर पैरामेट्रिक टेस्ट आपको चेक करना है तो उसकी चार एजम्पशन बेसिक एजम्पशन होती है। अगर आप इनको फुलफिल कर लोगे सो दैट मीन्स आप पैरामेट्रिक टेस्ट लगा सकते हो। और ये हमारे पास तीन मेथड थे चेक करने के, वो हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में देख लिया। लेकिन अगर मान लीजिए पैरामेट्रिक टेस्ट जैसे हमने देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि सारी हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई थी, अब इसके बाद हमें क्या करना है। तो अगर देखिए पैरामेट्रिक टेस्ट अगर आपके फुल कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आपको देखना है कि आपके पास वेरिएबल कितने हैं। अगर आपके पास मान लीजिए दो ही वेरिएबल हैं, ठीक है, तो आपको टेस्ट लगाना है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट एंड पेयर टी टेस्ट। और आपके पास दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं सो आपको जाना है कहाँ पर, एनोवा की तरफ या फिर रिपीटेड मेजर्स एनोवा। ये है पैरामेट्रिक टेस्ट। ऐसे सिमिलरली आपका है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। देखिए लास्ट क्लास में बताया था कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। बेसिकली नॉन पैरामेट्रिक मतलब जो पैरामेट्रिक नहीं है, भाई जिनकी बेसिक एजम्पशन अगर फुलफिल नहीं हो रही तो इसका मतलब हमें कहाँ जाना होगा, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ जाना होगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस बहुत माइनर है। जैसे देखिए पैरामेट्रिक टेस्ट अगर आपको लगाना है उसके बाद देखिए आपके पास वेरिएबल्स कितने हैं। अगर दो वेरिएबल्स हैं तो आपके पास इंडिपेंडेंट टेस्ट लगाना है, ठीक है। बट अगर मान लीजिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और टू सैंपल्स हैं तो आपको क्या लगाना है, मैन वाइटिंग टेस्ट। यानी कि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के कॉरस्पॉन्डेंस देखना है आपको कौन सा टेस्ट है, यानी कि माइन वाइटनिंग। ऐसे ही अगर जब आप पेयर टी टेस्ट लगाओगे तब आपको उसके, और अगर आपका डेटा आपका नॉन पैरामेट्रिक तरफ पे जा रहा है तो आपको लगाना पड़ेगा विल्कोक्सॉन साइन राइन टेस्ट, ठीक है। तो आपको देखना कि उसकी किसके पैरामेट्रिक टेस्ट के कॉरस्पॉन्डेंस में कौन सा टेस्ट आपको वो टेस्ट लगाना है। हालांकि अभी हमें ये भी डिस्कस करना है कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, कि दो सैंपल्स इसमें भी हैं इसमें भी, तो हमें टेस्ट कौन सा लगाना है वो आपको ध्यान से देना है। चलिए अभी हम मेनली हम डिस्कस करेंगे सिर्फ इन दो टेस्ट पे, यानी कि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट एंड पेयर टी टेस्ट। तो इन पे देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यानी कि तब लगाना है जब हमारे पास जो है दो वेरिएबल्स हों, ठीक है। दो वेरिएबल जैसे अगर मैं मान लो कि मैं चेक करना चाहता हूँ दी डिफरेंसेस बिटवीन दी सैलरी अमंग जेंडर, कि क्या फीमेल और मेल जो कैंडिडेट हैं उनके सैलरी में क्या जो डिफरेंस है या नहीं है, तो उसके लिए क्या लगाना मुझे, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। और यानी कि वहाँ पर दो वेरिएबल्स होना चाहिए डिफरेंस करने के लिए। लेकिन अगर आप किसी का मीन स्कोर के बीच में डिफरेंस देख रहे हो सो आपको देखना है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। आई रिपीट, अगर आपको किसी दो वेरिएबल के बीच में अगर आपको मीन का अगर डिफरेंस देखना है सो आपको हमेशा कहाँ जाना है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। अगर आपकी बेसिक एजम्पशन अगर फुलफिल हो रही है तो, नहीं हो रही है तो आपको इसके कॉरस्पॉन्डेंस में देखना है कि कौन सा टेस्ट लगाना है, ओके। तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट आपको कब लगाना है, पहले आपको बेसिक चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है आपका डेटा का नेचर क्या है, यानी कि दो वेरिएबल हैं सो यू मे गो फॉर इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। प्लस ऐसा नहीं कि सिर्फ दो वेरिएबल हो, आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और हो। ऑब्जेक्टिव आपका क्या है कि टू चेक दी डिफरेंसेस बिटवीन दी मेन डिफरेंस देखना कि मेन डिफरेंस है या नहीं है, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि भी ऐसे मान लीजिए मैं इसमें मेरे दो हाइपोथेसिस हो जाएंगे, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होगा, नल हाइपोथेसिस। देखिए हाइपोथेसिस याद आया, मैंने हाइपोथेसिस के वीडियो लेक्चर अपलोड किया था तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा, दैट मीन देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सैलरी अमंग जेंडर, ये होगा नल हाइपोथेसिस। और ऑल्टरनेटिव क्या होगा, दैट मीन देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सैलरीज अमंग जेंडर, ठीक है। तो ये होगा आपका इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। अब बात करते हैं पेयर टी टेस्ट। पेयर टी टेस्ट में क्या होता है, दैट मींस देखिए इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में क्या होता है कि आपने क्या कहा था, आपने सैंपल कलेक्ट किया और उसको आपने टेस्ट किया। लेकिन पेयर टी टेस्ट में क्या करते हो, यानी कि सेम रिस्पॉन्स का आप जो है टेस्ट जो है दो बार अप्लाई करते हो। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में बच्चे हैं, आपको बच्चों की नॉलेज चेक करनी है। एक होता है कि मतलब टेस्ट लिया आपने पढ़ाने से पहले और फिर टेस्ट लिया आपने पढ़ाने के बाद। तो पढ़ाने से पहले देखिए बच्चों का जो स्कोर होगा वो कुछ और होगा,
और जब आप पढ़ाओगे तो बच्चे को नॉलेज होगी तो ऑब्वियसली वो स्कोर ज्यादा होगा। तो अगर आप इस तरह का टेस्ट लगाना चाहो कि क्या इन मन में जो डिफरेंसेस है पढ़ाने के बाद क्या वो ज्यादा है या कम है, तो उसके लिए देखना आपको पीएटी टेस्ट। या फिर जैसे मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग से पहले जो है आपका आपका जो है कोई टेस्ट हुआ तो उसका मेन स्कोर कुछ और होगा, ठीक है। ऐसे ही ट्रेनिंग के बाद वही अगर टेस्ट करोगे तो उसका देखिए मेन स्कोर कुछ और होगा। तो अगर मैं उन दोनों के बीच में का मेन मीन स्कोर अगर मुझे टेस्ट करना है कि इन दोनों में डिफरेंस है या नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे टेस्ट कौन सा लगाना पड़ेगा, अगेन पीएटी टेस्ट। या देखना दोनों में ही जो ऑब्जेक्टिव वो क्या होगा, दैट इज टू चेक दी मेन डिफरेंसेस। लेकिन इसमें क्या होता है, एक एक टाइम पे जो है एक ही रिस्पॉन्स, एक एक टाइम पे जो है एक ही टाइम पे हम जो सारे रिस्पॉन्सेज का जो है डेटा कलेक्ट करके टेस्ट लगाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, एक दो दो अलग टाइम पे सेम रिस्पॉन्सेज का हम जो यहाँ पर टेस्ट जो लगाएंगे, राइट। तो इसको हम जो है अपने अभी हम प्रैक्टिकल एग्जाम लेते हैं तो उसके थ्रू आपको जल्दी समझ आएगा। अभी हम मेनली जो डिस्कस करेंगे वो हम इस पर करेंगे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट पे, कि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट किस तरह लगाते हैं। तो डेटा देखिए, अभी हम जो लास्ट वीडियो लेक्चर पे लिया था हम वही लेते हैं फॉर दी बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखिए वही डेटा है, देखिए आपके पास ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर वही सेम डेटा है, 50 स्टूडेंट्स हैं, कुछ मेल है कुछ फीमेल है, और ये उनके जो है इंडिपेंडेंट स्कोर मार्क्स हैं। वेरिएबल्स में देख लीजिए ये वही सेम डेटा है। अभी पहले हम वही देखेंगे कि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट से पहले कि क्या हमारी जो बेसिक कंडीशन फुलफिल हो रही नहीं हो रही है। देखिए डेटा तो सेम है तो ऑब्वियसली आपके सारी कंडीशन फुलफिल भी होंगी। तो एक बार मैं जल्दी जल्दी सारे स्टेप्स लिख के इसको टेस्ट लगा देते हैं। प्लॉट्स में हमें इस टाइम में लिखने का ना हिस्टोग्राम नॉर्मेलिटी एंड अनट्रांसफॉर्म एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो देखिए हमने जैसे वही सेम आउटपुट आएगा जैसा हमारा लास्ट में आया था, देखिए ये सेम आउटपुट है, देखिए होमोजेनिटी आ रहा है आपका एंड नॉर्मल भी है, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमें कि इंडिपेंडेंट डिटेल देखिए कैसे लगाना है। गो टू एनालाइज, कंपेयर मीन्स का टैब आएगा आपका, कंपेयर मीन्स के बाद आपको जाना है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इस पे क्लिक करना है आपको। पहले देखिए यहाँ पर दो यहाँ पर टेस्ट वेरिएबल है कि कौन सा वेरिएबल आपको टेस्ट करना है, मीन हमको ये टेस्ट करना है। एंड ग्रुपिंग में आपका आएगा नॉर्मल डेटा यानी कि जेंडर, और फिर आपको जो है ग्रुपिंग यानी कि आपको ग्रुप से डिफाइन करने हैं। देखिए जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर मैंने क्या करता, मेल फीमेल का था, मेल को क्या दिया था मैंने 1 एंड फीमेल को मैंने 2 लेबल दिया था, तो वही आपको 1 एंड 2 लिखना है। कंटिन्यू, ऑप्शंस में यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना क्योंकि सारा डेटा आपको कोई भी मिसिंग नहीं है, तो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन ओके। अब ये आपका आउटपुट आ गया। तो देखिए टी टेस्ट लगाया तो आपके पास ये दो आपके पास चार्ट आए हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा। पहला आपका है दैट इज कॉल्ड ग्रुप स्टेटिस्टिक्स, क्या क्या कहता है, देखिए मेल कैंडिडेट कितने हैं 25, फीमेल कितने हैं 25, मीन देखिए यहाँ पर 65 मेल का है एंड 54.40 आपका फीमेल का है। देखिए दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। देखिए जब भी आप टी टेस्ट लगाओगे तो दोनों में का मीन जो स्कोर हमेशा डिफरेंस आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए क्या पता लगा, देखिए यहाँ पर वेरिएशन देखिए मेल का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। तो ये आपका है ग्रुप स्टैटिस्टिक्स। अब आते हैं हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। देखिए आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ ही रहा है, लेकिन क्या ये जो डिफरेंस है ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उसके लिए हमें ये, इसलिए हमने यहाँ पर क्या करा, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाया। आपको हाइपोथेसिस देखिए वीडियो लेक्चर मैंने बताया था कि सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स हम 5% इंटरवल स्केल पे देखते हैं कि क्या हमारा जो डेटा है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको यहाँ पर देखिए दो हाइपोथेसिस बने, एक होता है आपका नल हाइपोथेसिस, एक होता है आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यहाँ पर आपका नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा, दैट मींस देयर इज नो
differences in salaries of male and female. ये हो गया non hypothesis. तो alternative क्या बनेगा? कि there is differences in salaries of male and female. ये होगा. अब आपका देखिए, यहाँ पर टेस्ट करोगे आप 5%. ठीक है, दैट मीन्स आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है? 95. ठीक है, यानी कि आप 95% क्या कहना चाह रहे हो? 95% आप कह रहे हो यहाँ पर जो है कि दोनों में की सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है. 95% आप ये कह रहे हो, 95% आप ये कह रहे हो कि दो इन दोनों में डिफरेंस जो है वो है ही नहीं. तो दैट मीन्स आप बेसिकली आप नल हाइपोथेसिस को आप जो क्या कहते हैं, आप इसको एक्सेप्ट करना चाह रहे हो बेसिकली. ठीक है, तो दैट मीन्स अगर पी की वैल्यू अगर मान लीजिए लेस देन 0.05 आई तो क्या होगा? दैट मीन्स रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस. और इसका मतलब क्या हो? रिजेक्ट है ना, तो क्या हो? दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज डिफरेंस अमंग जेंडर. वही अगर मान लीजिए पी की वैल्यू 0.05 से ज्यादा ही, तो दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे? दैट मीन्स फेल्ड टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस. दैट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस अमंग जेंडर, उनके सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है ना, तो इस तरह को देखना. देखिए कैसे पता लगा है, देखिए आपको क्या करना है, उसने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है. ठीक है, ये आपका दो पार्ट में इसको डिवाइड कीजिए. आपको देखना है 5% स्केल पे, यानी कि 2.5 आपका यहाँ पर होगा, 2.5 आपका यहाँ होगा. ठीक है, इस केस में देखिए क्या होगा आपका. देखिए ये आपका कौन सा एरिया होता है? डू नॉट रिजेक्ट एरिया, डू नॉट रिजेक्ट एरिया. ठीक है, सो दैट ये होता है आपका रिजेक्शन एरिया 2.5, दैट इज 5%. ये होगा आपका रिजेक्शन एरिया एंड ये होगा आपका डू नॉट रिजेक्ट एरिया. ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि जैसे आपका डेटा 5% से कम होगा, देखे ना 5% से कम होगा, तो डेट मीन्स हम क्या बोलेंगे इसको? रिजेक्ट. हम क्या करेंगे? इसको रिजेक्ट कर देंगे. देखिए 5% से कम आएगा ना, जितना 5% कम होगा वो यहाँ पर डेटा आपका इस तरफ जाता जाएगा, सारा डेटा आपका यहाँ जाता रहेगा, तो डेट मीन्स वो रिजेक्शन की तरफ जाएगा. 5% जितना कम होता है डेट मीन्स वो आपके रिजेक्शन की तरफ जाता चला जाएगा. और अगर 5% से बढ़ता जाएगा तो डेट मीन्स आपका यहाँ पर ये इसकी तरफ चला जाएगा आपका. देखिए कैसे पता लगा है, देखो यहाँ से देखिए आपका जो स्केल होता है ये जीरो होता है, तो ये जितना पॉजिटिव होता रहेगा, देखिए आप मान लीजिए 0.05 यहाँ पर है, 0.05 एक्चुअली यहाँ नहीं होता, एक्चुअली ये उसकी जो कुछ कॉरस्पॉन्डिंग वाली होती है 2 point something होती है. ठीक है, 2.96. तो ये जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा दैट मीन्स मान लीजिए ये आपका हो गया 0.05. ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा दैट मीन्स हमारा रिलेशन एरिया जो वो बढ़ता चला जाएगा. राइट, तो दैट मीन्स If अगर 5% से कम आ रहा है so that means we are rejecting null hypothesis, that means there is a difference. Right? So देखिए अगर आप यहाँ पर टेस्ट देखिए, ES score दिखा रहा है, देखो equal variance is assumes और equal variance not assumed. तो यहाँ पर देखिए दो तरह के आपको सिग्निफिकेंट वैल्यू दिखाई, कौन सी दिखनी है आपको? जहाँ पर आपकी ये वैल्यू 11 जो टेस्ट है सिग्निफिकेंट, यहाँ पर ये अगर इनसिग्निफिकेंट है दैट मीन्स मोर देन 5% है, तो आपको ये वैल्यू इंटरप्रेट करनी है, ये वाली और आपको इंटरप्रेट करनी है. ठीक है, तो ये इनसिग्निफिकेंट आ रही है तो सिग्निफिकेंट आपको ये दिखनी है. आप देखिए कितना है, 0.022, दैट मीन्स विच इज लेस देन 0.05. सो दैट मीन्स क्या होगा आपका यहाँ पर? नल हाइपोथेसिस क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा. सो दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस. और देखिए डिफरेंस तो है, देखिए डिफरेंस तो हमेशा आएगा, हमें बस ये चेक करना क्या ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है, वो भी देखना है एट 5% लेवल पे. ठीक है, अब मान लीजिए अब यही वैल्यू अगर मान लीजिए 0.222 आती तो
तो वो ज्यादा आता था, हम कहते डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द वे ऑफ चेकिंग दी दैट इज द मेन डिफरेंसेस बाय वे ऑफ इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, ठीक है। सो एंड नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पेयर टी टेस्ट। थैंक यू, प्लीज कीप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।